सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखने योग्य पांच बातों के बारे में। अगर इन पांच बातों को आप फॉलो करते हैं अपनी प्रिपरेशन करते समय, तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता को बहुत ही जल्दी सुनिश्चित कर लेंगे, बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो क्या हैं ये पांच बातें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका एग्जाम SSC का हो, चाहे एग्जाम आपका IBPS हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट क्या, सीधा सीधा मेरा मतलब है आपके टाइम टेबल से कि 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स, 24 घंटे आपके पास हैं, तो आप उसमें से कितना समय आप अपनी स्टडी को देते हैं और किस तरीके से उसे फॉलो करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मन होता है कि वो दिन में अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नाइट में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप दिन में ज़्यादा समय दे सकते हैं, रात में दे सकते हैं या सुबह सुबह में ज़्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन आप एक जनरली एग्ज़ाम की बात करें SSC या IBPS जैसे एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर कम से कम आपको 6 से 8 घंटे का टाइम टेबल तो मैनेज करना ही होगा। ठीक, अब टाइम टेबल मैनेज करना और उसको फॉलो करना, डेली बेसिस पे फॉलो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनकी रोज टाइम टेबल बनाते हैं और रोज ही उस टाइम टेबल को बिगाड़ देते हैं। तो देखिए, टाइम टेबल बनाना आसान है लेकिन उसे फॉलो करना वो अपने आप में एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आपकी एक मजबूरी भी बन जाती है क्योंकि आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी भी तो चाहिए ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो आपने 6 से 8 घंटे का टाइम बनाया है, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करके प्रिपरेशन करें। दूसरी बात आती है एवरेज सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़, जो आपके सब्जेक्ट है। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएं तो आपके 4 सब्जेक्ट या कुछ में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK। ठीक है, किसी में GK नहीं होनी है। जैसे कि अगर IBPS के Tier 1 की बात करें तो स्टार्टिंग में GK नहीं आनी है, मेन में आनी है, तो मेन में अलग स्ट्रैटेजी हो जाती है। या फिर SSC CGL की बात करें, CHSL करें, CPO करें, MTS, उसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं, मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, तो 4 पर आपकी अच्छी पकड़ बनानी होगी आपको। ठीक, तो जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 पर आपको कमांड बनानी होगी। आप ये सोचें कि केवल मैथ के बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब ले जाएंगे तो वो आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। आप सोचें कि मैथ और रीजनिंग के बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब ले जाएंगे तो वो भी आज की डेट पर पॉसिबल नहीं है। तो आपके 4 सब्जेक्ट अच्छे खासे होने चाहिए क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन है, हर सब्जेक्ट पर पकड़ होनी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल स्ट्रांग होंगे, मैथ, रीजनिंग आपके स्ट्रांग होगी, तो करना क्या है, स्ट्रांग को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, और ज़्यादा बेहतर बनाइए, और जो वीक है वीक पर काम कीजिए जिससे कि वो भी स्ट्रांग बने। ठीक है ना, तो हर सब्जेक्ट पर आपकी एक अच्छी पकड़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरी आती है हमारा रिविज़न। जो भी आप पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, आप जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ स्टूडेंट के करने की स्ट्रैटेजी ये है, कुछ स्टूडेंट के करने की स्ट्रैटेजी वो है, तो दोनों ही बातें मैं करूँगा कि ये और वो क्या है। देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या है कि मान लीजिए उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए बात कर लेते हैं परसेंटेज की, परसेंटेज में उन्होंने एक दिन में 50 सवाल किए। ठीक, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे ये वाले कि वो नेक्स्ट डे उन 50 क्वेश्चन में जो भी उन्हें लगता है उसको रिवाइज कर डालेंगे। वो वाले स्टूडेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, जो उन्होंने पढ़ा है वो उसको उस टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे कि पूरा परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद जो भी उसमें 200 250 300 क्वेश्चन है तब उसको फाइनली रिवाइज करेंगे। हालांकि दोनों ही तरीके बेहतर हैं, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको लगता है कि आप जिसमें ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं तो आप उसी ही मेथड से रिविज़न कीजिए। लेकिन रिविज़न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना केवल मैथ में बल्कि रीजनिंग, इंग्लिश, GK, 4 ही सब्जेक्ट में रिवीजन बहुत ज़्यादा
जरूरी है, वरना वही प्रॉब्लम आएगी कि याद तो बहुत करते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने फोर्थ टिप्स की। फोर्थ है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। तो बिल्कुल, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ पॉसिबल है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, तब तक वो बेकार है। एक क्रिकेट खिलाड़ी भी जब मैदान पे जाता है तो उसको 2-3 दिन का टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। इतना बड़ा खिलाड़ी है फिर भी, एक विराट कोहली की बात करें या हमारे क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर की बात करें, क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, डेफिनेटली करते थे। हालांकि मैच में सेंचुरी भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, आज की डेट में तो डबल सेंचुरी लगती हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको भी वही करना है कि जो भी आपने पढ़ा, रिवीजन के बाद ही बात करती है हम प्रैक्टिस की, ठीक है। रिवीजन क्या है? वही प्रैक्टिस है। रिवीजन क्या है? वही प्रैक्टिस है, ठीक। तो इसको आप अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रमुख रूप से सामने लेकर आइए, ठीक है। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट जो हो जाता है स्टडी का वो है मॉक टेस्ट, क्योंकि ये आपको आपकी हकीकत सामने लेकर आता है, आपके लिए हकीकत सामने लेकर आता है कि आपने क्या पढ़ा है अब तक वो सब। तो मॉक टेस्ट कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, दोनों मोड पे कीजिए। ये नहीं कि केवल ऑनलाइन पेपर है तो ऑफलाइन नहीं कीजिए, नहीं, ऑफलाइन भी कीजिए, ऑनलाइन भी कीजिए, ठीक। एक टाइम टेबल सेट करके, एक घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एग्जाम टाइम में करके देखोगे, उससे पहले उसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए ना कि कैसे करना होता है, क्योंकि सारी परेशानियां जो समस्याएं आपके सामने आएंगी एक टेस्ट को सॉल्व करने में, एग्जामिनेशन डे वाले दिन, वो आप उससे पहले से फैमिलियर हो जाएंगे कि ये समस्या आती है, ठीक है। तो वो सब बहुत ज़्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको आपकी हकीकत सामने लेकर आता है, आपको बताता है कि आप अभी इतने पानी में, आपकी तैयारी अभी इतनी है, ठीक है। जब आपको पता है कि आपने पहला टेस्ट दिया, आपको पता है कि 100 में से मेरी 60 की तैयारी है, तो आप आगे जब जाओगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए जाओगे तो कोशिश करोगे कि मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाऊँ। शायद ऐसा भी हो कि पहले जब आप टेस्ट देने गए, मॉक टेस्ट दिया आपने, तो शायद उसमें आप अच्छा स्कोर ना कर पाए हो या पूरा पेपर ना अटैम्प्ट कर पाए, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट जाओगे तो आप कोशिश करोगे कि सबसे पहले मेरा पूरा पेपर अटैम्प्ट होना चाहिए, ठीक। थर्ड पेपर में जाओगे, आप सोचोगे कि मेरा एक्यूरेसी लेवल बढ़ना चाहिए। कहाँ से बढ़ेगा वो? जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो अपने आप मॉक टेस्ट आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, और आपको एग्जामिनेशन डे यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले ही पता होगा कि मेरा स्कोर इतना बन सकता है। आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इतना स्कोर है, ठीक है, मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, आपको खुद पता होगा कि आप क्या करके आए हैं, ठीक है गाइस। तो यही थी हमारी 5 टिप्स, 5 बातें जो लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड बन रही थी कि आप हमें बताइए कि हमें किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन में किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर जाना चाहिए। तो यही 5 बातें थी जिनमें हमने बात की। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की, अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए, उस पर आप काम कीजिए, किस तरह से उसे फॉलो करना है वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक। बात करी हमने अब एवरी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप, 4 पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। फिर 3rd बात करी रिवीजन, जो भी आप पढ़ते हैं उसको साथ साथ रिवीजन करके चलें। 4th बात करी हमने प्रैक्टिस की, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करके चलें, साथ साथ पढ़ के चलें, ठीक है, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में बात आती है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। लगातार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कैसे तैयार करें, तो देखिए उसके लिए मैं यही कहता हूँ कि आप जितना पढ़ते जाएंगे ऐसा भी होगा कि आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें लिख कर याद करेंगे तो मैं मानता हूँ ज़्यादा समय तक आपकी मेमोरी में रहेंगे। तो लिख कर याद कीजिए, ये भी हमारा प्रैक्टिस का पार्ट हो जाता है कि सिनोनिम एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं उनको आप लिख कर याद कीजिए। 4th बात हमने मॉक टेस्ट की, बहुत ज़्यादा जरूरी थी, ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है गाइस। तो यही थी बातें जो आज आपको मुझे इस वीडियो के जरिए बतानी थी। तो आज के लिए बस इतना ही,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे जाने वाली सभी वीडियो, जो भी हम 3-4 वीडियो डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं, सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।